शाजापुर पहुंचे आईजी संतोष सिंह अपराधों की समीक्षा कर त्योहार पर सुरक्षा इंतजाम के लिए मीटिंग ली, जिसमें मीडिया से चर्चा के दौरान शाजापुर उज्जैन रेंज आईजी संतोष सिंह शनिवार को शाजापुर पहुंचे। उन्होंने एसपी ऑफिस में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान अपराधों की समीक्षा की गई और नवरात्रि सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों को भी उन्होंने जानकारी ली। सिंह ने बताया कि त्योहारों पर सुरक्षा इंतजाम और अपराधों पर नियंत्रण संतोषजनक और बेहतर पुलिसिंग के लिए उन्होंने जिले के प्रमुख अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसपी जगदीश डावर, एडिशनल एसपी सिंह, एडिशनल एसपी बघेल और सभी डीएसपी शामिल हुए। आईजी सिंह ने बताया कि जिले में नियंत्रण के प्रयास हो रहे हैं, ऐसी कार्रवाई की है। साथ ही आगामी दिनों में प्रधानमंत्री उज्जैन आएंगे, इसे देखते हुए उज्जैन के आसपास के जिलों में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है, इसे भी लेकर उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कार्रवाई जारी करने की बात कही है। शाजापुर से सैयद आफताब अली की रिपोर्ट। समीक्षा होती है जिसका डेट पीरियड नियत होता है, एक तो उसके लिए, और दूसरा जैसा आपको विधि थी, अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, अभी दशहरे का त्यौहार भी मनाया जाएगा, तो उसकी तैयारी और इत्यादि के जायजा लेने के हिसाब से भ्रमण किया गया। सभी जो राजपत्रित अधिकारी हैं जिले के और पुलिस अधीक्षक सामने आप उपस्थित हैं, इन सभी से बातचीत की गई है, तैयारियों की समीक्षा की गई है। ओवरऑल जो क्राइम की पोजीशन और जो विवेचना की स्थिति है संतोषजनक है, और सारी तैयारियां भी त्योहारों को लेकर जिले की काफ़ी अप टू डेट है, और सभी प्रकार की तैयारियां हैं। आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं लगनी है और जैसी व्यवस्थाएं की जानी है उसको देखते हुए जिला पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है, और जैसे जैसे वो आते जाएंगे वो अवसर, उसके लिए तैयारियों को परिणाम उसमें ले जाएंगे और सारी चीज़ों को शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छी ढंग से निपटाया जाए। सर, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी उज्जैन आए, उसको लेके आसपास के जिलों में क्या सतर्कता बरतने के क्या निर्देश क्या की थी? उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं, और डेफिनेटली जो उसकी ड्रिल होती है जैसा आपने कहा, वो सारी ड्यू कोर्स में उसका पालन किया है। सर, PFI के भी मामले सामने आए थे सर, उसको लेकर किस प्रकार के कोई निर्देश वगैरह? डेफिनेटली ये एक्टिविटीज़ को देखते हुए कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई है और कुछ लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, लगातार वॉच में है, और ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसी प्रकार कार्रवाई की गई है, और लगातार जो हमारा पुलिस का लोकल है पूरा सिस्टम लगातार इसको देख रहा है, अगर जो भी उसमें गतिविधि या कोई अगर प्रकाश में आएगी तो उसमें जो भी कार्रवाई है अपेक्षित वो बहुत ही प्रभावी तरीके से की जाएगी। सर, सट्टे सहित अन्य अपराधों में लगातार कार्रवाई सामने आ रही कुछ दिनों से, इसको आप किस रूप में देखते? आज जैसा मैंने कहा कि क्राइम समीक्षा की बैठक थी, उसमें जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको भी यही बताया गया है, सभी अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए हैं इसमें प्रभावी कार्रवाई करें, और कहीं से भी पुलिस के किसी अधिकारी कर्मचारी की इसमें किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पर बहुत ही प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। ठीक है, अभी तक अच्छी कार्रवाई हुई।